नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। रिंकू यादव स्टोरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं बात करूंगा अंकिता सिंह दुमका केस और अंकिता भंडारी उत्तराखंड केस की। आप सबको ये बताऊंगा आज कि किस प्रकार से गोदी मीडिया और बीजेपी पार्टी और उसके कुछ नेता किस प्रकार से एक विशेष समुदाय का लड़का अंकिता सिंह मर्डर के पीछे, जिसका नाम शाहरुख है, वह रहता है, तो किस प्रकार से रिएक्ट करती है गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता। और वही सेम हत्याकांड होता है उत्तराखंड में, उस पीड़िता का नाम भी अंकिता ही है, उसका नाम है अंकिता भंडारी। और उसके जो हत्या होती है उस लड़की की, उसके पीछे जो मुख्य आरोपी है वह बीजेपी का दिग्गज नेता विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या का हाथ है। अब समझने वाली बात यह है कि ये अंकिता जो दुमका की थी, अंकिता सिंह, इसकी जब हत्या होती है, मुख्य आरोपी इसमें शाहरुख है, आरोपी ये लगता है कि ये खिड़की से पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उस दौरान आप सब ने देखा होगा कि ये पूरा गोदी मीडिया और तमाम प्रकार के हिंदू संगठन सड़कों पर आकर रैलियाँ निकालने लगे थे, और बीजेपी के नेता जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा किस प्रकार से क्राउड फंडिंग करते हैं और दिल्ली से 1400 से 1450 किलोमीटर दूर झारखंड दुमका जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं और 25 लाख रुपए का चेक देते हैं। उस दौरान तमाम प्रकार के हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आता है और शाहरुख को तत्काल फांसी देने की मांग करने लगता है, नारे लगते हैं। शाहरुख के घर वालों को अपना घर छोड़कर फैमिली के साथ भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। गोदी मीडिया में ये खबर लगातार 4 से 5 दिन सुबह से रात तक चलती थी, इस पर बहस होता था, तमाम प्रकार के आरोप लगते थे, लव जिहाद वगैरह वगैरह आप सबको पता होगा। लेकिन यही सेम केस घटित होती है उत्तराखंड ऋषिकेश में, उस पीड़िता का नाम भी अंकिता भंडारी है और उसका जो मुख्य आरोपी है वह बीजेपी का दिग्गज नेता है उत्तराखंड का, जो पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुका है, विनोद आर्या, उसका बेटा पुलकित आर्या के ऊपर लगता है। और यह इतना घिनौना आरोप उसके ऊपर लगा है, देह व्यापार और नशे का भंडार वहाँ पर एक प्रकार से चल रहा था उसके रिसोर्ट में, और इसको भी उस देह व्यापार में उतारने की कोशिश होती है, लेकिन ये उसका विरोध करती है, जिसकी वजह से इसको मार करके फेंक दिया जाता है नहर में। अब आप सब देख रहे होंगे इस पर ना तो कोई गोदी मीडिया चिल्ला रहा है, ना ही कोई हिंदू संगठन सड़कों पर उतर कर आया है, और ना ही कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी यानी निशिकांत दुबे जैसा कोई और बीजेपी का सांसद या खुद ये लोग क्राउड फंडिंग करते हैं ले जाकर उस पीड़िता जो अंकिता भंडारी है उसके फैमिली वालों को देते हैं। जबकि दिल्ली से उत्तराखंड की दूरी मात्र 350 से 400 किलोमीटर की दूर है, फिर भी ये लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं, लेकिन ये लोग दिल्ली से क्राउड फंडिंग करके 25 लाख रुपये का चेक लेकर दुमका झारखंड पहुँच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको राजनीति करने का, समाज को बांटने का, नफरत फैलाने का जरिया जो मिल जाता है, क्योंकि इस आरोपी का नाम शाहरुख हुसैन था और उस आरोपी का नाम पुलकित आर्या है, जो कि खुद इन्हीं के पार्टी के एक दिग्गज नेता का बेटा है। तो आप सबको समझना होगा कि किस प्रकार से ये गोदी मीडिया और इस पॉलिटिकल पार्टी के लोग नफरत भर रहे हैं समाज के अंदर और किस प्रकार से रवैया अपना रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का लड़का है शाहरुख हुसैन, वहाँ पर वो लोग जाते हैं, उसको पैसा देते हैं अंकिता के फैमिली वालों को, और ये गोदी मीडिया जो पिछले 4 से 5 दिन तक लगातार उस पर बहस करती है, तमाम प्रकार के नेता लोग को बुलाती है, समाजसेवी को बुलाती है और तमाम प्रकार की डिबेट चलता है 4 से 5 दिन तक, और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बाढ़ आ जाता है कि शाहरुख को तत्काल फांसी की सजा हो। लेकिन पुलकित आर्या के लिए आप सब देख रहे होंगे कि कहीं
भी कुछ चीज की मांग नहीं हो रही है, ना ही कोई हिंदू संगठन अभी तक सड़कों पर आया है, ना ही कोई बीजेपी का नेता क्राउड फंडिंग किया ले जाके उस पीड़िता को दिया, ना ही सोशल मीडिया पर बाहर आई है कि पुलकित आर्या को भी फांसी की सजा दी जाए, और ना ही गोदी मीडिया पर बहस हो रही है जिस प्रकार से शाहरुख हुसैन के खिलाफ बहस हुई थी। तो समझना होगा हम आपको, पूरे समाज के लोगों को ये समझना होगा कि इनके चक्कर में ना पड़े, कानून अपना काम करेगा, दोषी कोई भी हो, जो अपराधी होते हैं उनका ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है, वह कोई भी जाति धर्म के हो, अपराधी केवल अपराधी होते हैं, और उनको सजा देने का काम केवल और केवल हमारे अदालत को है, हमारे कोर्ट को है। तो ऐसी और भी अपडेट, ऐसी और भी तमाम कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रिंकू यादव स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।